हाई एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में एंड उसके साथ साथ कहां पर जाकर आप मशीन लर्निंग सीखें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो आपको कवर करने की ज़रूरत है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, रिसर्च के लिए या फिर डेटा साइंस जैसे जॉब्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनके इंटरव्यूज़ के लिए। इसमें यार सबसे पहले बात करते हैं कि मशीन लर्निंग होती क्या है। अगर हम अमेज़ॉन पर कुछ शॉप करने निकलें तो यार वहाँ पर आप साबुन से लेकर फ़ोन तक कुछ भी सर्च करो, क्या होगा? वो चीज़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ नीचे वैसे ही प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन आपको आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, अगर आपके पास ईमेल्स आते हैं तो आप देखोगे कि ईमेल्स में से कुछ कुछ जो ईमेल्स होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते वो अपने आप स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं जिसको हमें कभी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी, अगर बात करें तो गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी जैसी टेक्नोलॉजीज कुछ होती हैं जो मशीन लर्निंग की हेल्प से काम कर रही होती हैं। ये यार वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं जिनको हम कमांड्स देते हैं और हमारी कमांड के हिसाब से ये कुछ काम हमें करके देती हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज किसी ना किसी तरीके से दो चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। इनमें से पहला है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, क्या एल्गोरिदम लगा के ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं, और दूसरा है बहुत सारा डेटा। जैसे एलेक्सा के पास बहुत सारा डेटा है, अमेज़ॉन के पास बहुत सारा डेटा है, वैसे ही गूगल के पास बहुत सारा डेटा है, एप्पल के पास बहुत सारा डेटा है। तो यार मशीन लर्निंग दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो बहुत सारा डेटा, दूसरा कुछ एल्गोरिदम्स। इन्हीं दोनों को जब हम मशीन को फीड करते हैं तो मशीन लर्न कर जाती है और लर्न करके हमें ऐसा कुछ रूल दे देती है जिसके हिसाब से हम जो है आगे की फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर पाते हैं। हमने यार ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है मशीन लर्निंग क्या होती है इसके ऊपर, एंड क्या आपको जाकर मशीन लर्निंग इस स्टेज ऑफ लाइफ में सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए उसके ऊपर। तो यार अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि मशीन लर्निंग सीखें या नहीं सीखें तो वो वीडियो आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मशीन लर्निंग सीखें कैसे। इस बातचीत में हम डिस्कस करेंगे कुछ कुछ रिसोर्सेज, आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम दे रहे होंगे, एंड उसके साथ साथ एंड में आपको एक कुछ 11-12 रिसोर्सेज की हम एक्सटेंसिव लिस्ट दे देंगे जिनको जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड मशीन लर्निंग खुद सीख सकते हैं। इसमें यार सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा हमारा गोल, जो हो सकता है या तो प्रोडक्ट्स या फिर एल्गोरिदम्स। इसका क्या मतलब है, जब भी यार हम नए नए मशीन लर्निंग सीखने निकलते हैं तो आप सक्सेसफुल तभी हो पाते हैं जब आपके पास कोई प्लान हो। ये प्लान या तो आप शुरुआत से लेकर चलें या फिर प्लान बनाएं जब 2 से 3 महीने आपने लगा दिए इसको सीखने के ऊपर। इसका क्या मतलब है यार, मशीन लर्निंग में यूजुअली जब भी स्टूडेंट्स जाते हैं तो 2 पाथवेज होते हैं जो वो ले सकते हैं। इनमें पहला होता है कि मशीन लर्निंग वो इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि उनको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एल्गोरिदम्स को यूज़ करके वो कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ कुछ टूल्स बिल्ड करना चाहते हैं जो जनरल लोगों को हेल्प करे या उनके खुद के रेज्यूमे को हेल्प करे। दूसरा पाथ जो स्टूडेंट्स लेते हैं वो होता है एल्गोरिदम स्पेसिफिक पाथ। ये पाथ वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको मशीन लर्निंग की हेल्प से आगे या तो MS करनी है या उनको किसी न किसी तरह रिसर्च में जाना है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिखने हैं। तो इन दोनों पाथ के हिसाब से क्या क्या कस्टमाइजेशन होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर आप स्पेसिफिकली ध्यान दें, उसकी भी हम बात कर रहे होंगे। इसमें यार सबसे पहले तो अपना गोल डिफाइन कर लें कि क्या आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं ध्यान से या फिर आपको रिसर्च वाली एल्गोरिदम स्पेसिफिक साइड में जाना है। इस गोल को डिफाइन करने का पर्पस ये रहेगा कि अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो आपको हैवी मैथ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा भारी जो मैथ्स वाला काम है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर लिया है। तो अगर आप बेसिक मैथ्स भी कर लेंगे तो भी आपको बहुत सारी एल्गोरिदम समझ में आ रही होंगी एंड उनका आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। दूसरा केस उन लोगों का जिनको रिसर्च में जाना है, उनको यार हैवी मैथ करने की ज़रूरत है। एल्गोरिदम्स कैसे डिराइव हो रही हैं, एक एक चीज़ कहाँ से आ रही है, मैथ कैसे जुड़ा हुआ है कोड के साथ, उस पर उनको गहरा ध्यान देने की ज़रूरत है रिसर्च के पर्सपेक्टिव से। तो एक बार हमने गोल अपने दिमाग में रख लिया है, उसके बाद क्या प्रोसेस, क्या स्टेप्स हों जो हम ले मशीन लर्निंग सीखने के लिए। इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है मैथ सीखना। ये यार वो मैथ्स है जो अगर हम साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं या अगर हम कॉमर्स में भी मैथ्स वाले बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो हमने ऑलरेडी सीखी होगी 11th, 12th में या 10th में। इस मैथ्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं लीनियर एल्जेब्रा, जिसमें वेक्टर्स, मैट्रिक्स जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं, साथ
साथ के साथ स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो अगर हमने मैथ्स ऑलरेडी पढ़ी हुई है 11वीं 12वीं में, तो हमें क्या करना है, जाके बस थोड़ा सा रिविजन मारना है एक दिन का, या फिर अपनी कक्षा पर हमारे पास 11 12th की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये टॉपिक्स कवर हो रखे हैं, तो वहाँ पर जाकर हम रेफर कर सकते हैं इन सारे टॉपिक्स की वीडियोज़ को। अगर आप मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं आते, तो नीचे रिसोर्सेज की लिस्ट के अंदर हमने कुछ कुछ बुक्स, कुछ कुछ वीडियोस, कुछ कुछ प्लेलिस्ट आपको रेफर कर दिए, जहां जाकर आप 2 से 3 दिन के अंदर जो बेसिक मैथ्स है वो सीख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा जो मशीन लर्निंग की बेसिक मैथ है वो समझ में आना शुरू हो जाए। तो मैथ्स के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें कवर करने की जरूरत है। अब मैथ्स हमने सीख ली थोड़े दिन लगाकर, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो है पाइथन, पाइथन और उसकी लाइब्रेरीज। हमें क्या करना है, बेसिक पाइथन सीखनी है, और उसमें 2 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज का हमें ध्यान रखना है। इनमें से पहली है नंपाई और दूसरी है पांडास। यार एक बार जब हम पाइथन बेसिक सीख लेंगे एंड इसकी लाइब्रेरीज पर ध्यान दे लेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा अपने लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करना, और जब इस लॉजिक को हम कोड में कन्वर्ट कर पाएंगे तो हम थ्योरी से आगे बढ़ पाएंगे। थ्योरी तो हम सीख ही लेंगे मशीन लर्निंग में, पर उस थ्योरी का रियल इंप्लीमेंटेशन तभी होगा जब हम कोड को लिख पाएंगे। अब एक बार हमने पाइथन को सीख लिया है, उसके बाद हम आ जाते हैं मशीन लर्निंग के कोर पर। तो मशीन लर्निंग के कोर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं जो हमें सीखनी है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। इनमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। यार मशीन लर्निंग की 3 ब्रांचेस हमारे पास आती हैं। ये शब्द थोड़े भारी लग रहे होंगे, लेकिन जब आप एक्सप्लोर करने निकलोगे मशीन लर्निंग को, तो ये बहुत कोर है मशीन लर्निंग का। इन चीज़ों की जो डेफिनेशन है वो आपको पहले ही दिन सिखाई जाएगी ML के अंदर। तो ये 3 चीज़ें आप सीखोगे, साथ के साथ लीनियर रिग्रेशन, KNN, SVM, डिसीजन ट्रीज, ये कुछ कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। और हमने इनके नाम क्यों लिखे हैं, अगर आप कोई भी रिसोर्स रेफर करो या फिर कोई भी प्लेलिस्ट देखने निकलो, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये चेक करना है कि ये सारे टॉपिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तभी आप जाकर रेफर करें उस रिसोर्स को। तो इसमें ये सारे जो एल्गोरिदम्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, साथ के साथ ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग किसे कहते हैं, रेगुलराइजेशन किसे कहते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट किसे कहते हैं। अब यार मशीन लर्निंग के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब बोर्ड कैंसिल होने से पहले हम कैसे पता करते थे कि किसी बच्चे ने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया, हम उसकी परसेंटेज जाकर देखते थे। किसी के 96% आए हैं तो उसने अच्छा परफॉर्म किया है, किसी के अगर उससे कम आए हैं तो उसने थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्म किया है। वैसे ही यार एल्गोरिदम्स के अंदर कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एक्यूरेसी हो गया, रिकॉल हो गया, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी एल्गोरिदम कम अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब जैसे कैंसर डिटेक्शन का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो एक एल्गोरिदम 95% की एक्यूरेसी से कैंसर को डिटेक्ट कर पा रही है, दूसरी एल्गोरिदम 99% की एक्यूरेसी से कैंसर को डिटेक्ट कर पा रही है। तो यार इसमें हम सेकेंड वाले एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है, ज़्यादा हमारा भरोसा होगा उसके ऊपर। वैसे ही यार ये सारी चीज़ें जो हैं कि कौन सी एल्गोरिदम पर ज़्यादा भरोसा करे, कौन बेटर परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की हेल्प से। तो ये टॉपिक भी कवर होना चाहिए आपके कोर ML के एल्गोरिदम्स में। अब यार ये कोर ML के एल्गोरिदम्स के टॉपिक्स जो हैं ये आप कहाँ से सीखें। स्टैनफर्ड के एक बहुत फेमस प्रोफेसर हैं जिनका नाम है एंड्रयू वू। बहुत सारे लोग जो मशीन लर्निंग की शुरुआत करते हैं और आगे जाकर उसमें मास्टर तक कर लेते हैं, PhD तक कर लेते हैं, उन सबको यार इन बहुत फेमस प्रोफेसर के बारे में पता है। तो इनका एक स्टैनफर्ड का कोर्स है जो कि काफ़ी फेमस है, वो उसका लिंक हमने आपको दे दिया है, वो आप जाकर रेफर कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग की। अब यार आप इंटरनेट पर जाओगे तो आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे रोड मैप्स मिल रहे होंगे, एंड इनमें से बहुत सारे रोड मैप्स के अंदर क्या होता है, एक मेजर चीज़ मिसिंग होती है, उसका नाम है डेटा प्री प्रोसेसिंग। जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली कि मशीन लर्निंग 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो एल्गोरिदम्स, दूसरा डेटा। अब जब हमें डेटा पर ही काम करना नहीं आ रहा होगा, तो हमारी जो एल्गोरिदम स्पेसिफिक नॉलेज होगी उसका जो है हम अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो डेटा को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक मशीन लर्निंग एस्पिरेंट के लिए। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग जो है वो काम आती है एक्यूरेसी बढ़ाने के। तो जैसे कैंसर डिटेक्शन में 95 से 99% एक्यूरेसी कैसे बढ़ी, उसके या तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम
एल्गोरिदम स्ट्रांग होने के फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर हमने डेटा की क्वालिटी को बढ़ा दिया। और इस डेटा की क्वालिटी को बढ़ाते कैसे हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग को सीख के। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, जो भी डेटा हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को फीड करने वाले हैं या मशीन को फीड करने वाले हैं उसके ऊपर हम काम करें, उसको क्लीन बनाएं, उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है तो मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है, उसके अंदर नंबर्स में वैल्यू नहीं है, स्ट्रिंग्स में वैल्यू है तो स्ट्रिंग वाली मतलब यस या नो को नंबर्स में 0-1 में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए अगर हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं या कुछ और काम करना है मशीन लर्निंग की हेल्प से। तो ये सब हम सीखेंगे प्री प्रोसेसिंग के अंदर। इसके अंदर सब टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है करने के लिए वो आ जाते हैं, या तो नल वैल्यूज को मतलब खाली वैल्यूज को हमें हैंडल करना आना चाहिए, साथ के साथ स्टैंडर्डाइजेशन, कैटेगोरिकल वैल्यूज, वन हॉट एनकोडिंग, एनकोडिंग यानी स्ट्रिंग वैल्यूज को नंबर्स में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस होता है, फीचर स्केलिंग जैसे टॉपिक्स, ये हमें सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम मशीन लर्निंग का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग सीखने के बाद हम आ जाते हैं उस स्टेज पर जब हम ML की लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यार हमने बेसिक सीख लिया कि मैथ से मशीन लर्निंग को डिराइव कैसे करना है, एल्गोरिदम्स को, उन एल्गोरिदम्स का यूज कैसे करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे उनकी एक्यूरेसी बढ़ाए, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए। अब कभी कभी यार ऐसा होता है कुछ कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स हैं जिनको आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जो हर जगह यूज होती हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में, तो कुछ कुछ लाइब्रेरीज हैं पाइथन के अंदर, गूगल ने भी अपना एक पूरा लाइब्रेरी जो है निकाल दिए टेंसरफ्लो नाम से, तो इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनकी हेल्प से आपको दोबारा वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करिए, उसको यूज करिए और आपके लिए प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है यार स्काईकिट लर्न। स्काईकिट लर्न के अंदर हमें बहुत सारे मॉडल्स मिल रहे होंगे, जैसे SVM हो गया, उसके साथ KNN हो गया, लीनियर रिग्रेशन से बेसिक टॉपिक से लेकर रैंडम फॉरेस्ट जैसी एल्गोरिदम्स तक हम बात कर रहे होंगे। उसके साथ साथ मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आपने एल्गोरिदम चला तो ली मशीन पर, उसको दिखाएं कैसे, उस डेटा को प्रेजेंट कैसे करें, वो आप मैटप्लॉटलिब की हेल्प से कर सकते हैं। साथ के साथ गूगल ने टेंसर फ्लो निकाल दिया है, टेंसर फ्लो के अंदर आपको बहुत सारा जो आपका डीप लर्निंग करने के लिए रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है, लाइब्रेरीज अवेलेबल है, फंक्शंस अवेलेबल है जिनका आप यूज करें। अब डीप लर्निंग क्या है यार, जैसे MBBS का स्टूडेंट होता है, उसने MBBS कर ली तो वो डॉक्टर बन गया, लेकिन उसको स्पेशलाइजेशन करनी है तो उसको MD या MS करने जाना पड़ेगा, वैसे ही मशीन लर्निंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नाम का एक छोटा टॉपिक आता है। इस छोटे टॉपिक के अंदर जैसे हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स का मैप होता है, वैसे ही मशीन के अंदर एक नेटवर्क बन रहा होता है न्यूरॉन्स का। इन न्यूरॉन्स को, इन नेटवर्क्स को हम स्टडी करते हैं डीप लर्निंग के अंदर, जिसमें RNN, CNN नाम के एडवांस टॉपिक्स आ जाते हैं। तो टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी है, एक रिसोर्स है जिसको आप एक्सप्लोर करें, पहले आप मशीन लर्निंग सीखें तभी आप डीप लर्निंग के अंदर जाएं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग हम डिफरेंट वेबसाइट से जाकर सीख सकते हैं, ऐसी ही एक वेबसाइट का हमने नीचे लिंक दे दिया जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। उसके साथ साथ ML सीखने के लिए गूगल ने अपना एक कोर्स निकाल रखा है, उस पूरे कोर्स का हमने नीचे लिंक दे दिया है जिसको जाके आप रेफर कर सकते हैं। और एक बार आपने ये सारी चीजें सीख ली, उसके बाद मेजर काम है आपके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थ्योरी आपने सारी सीख ली, देखकर आपने ट्यूटोरियल्स देखकर आपने कोड जो है लिख लिया, लेकिन अब प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कहाँ जाकर सॉल्व करेंगे, कहाँ आपको डेटा मिल रहा होगा, कैगल बहुत ही फेमस साइट है जहाँ पर जाकर आप डेटा सेट जो है ले सकते हैं, बड़े बड़े डेटा सेट्स अवेलेबल हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे वहाँ पर आप अपने एल्गोरिदम्स लगाएं। वहाँ पर कॉन्टेस्ट होते हैं, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो उसको अपने रेज्यूमे में डालें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा अपने इंटरव्यूज़ में, जॉब्स के लिए, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स के लिए एंड रिसर्च के लिए। अब एक बार यार हमने कैगल जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रैक्टिस कर लिए, बहुत सारी मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो अब क्या करें। अगर आपका गोल प्रोडक्ट बनाना था तो अब आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जिसमें ML का यूज कर सकते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट्स इनोवेटिव हैं तो आप उसको यूज करके कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपका गोल था एल्गोरिदम्स की रिसर्च की तरफ जाना, तो IIT, IISc, DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। CERN का CERN, CERN का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च के लिए। उसके साथ साथ अगर आप IITs में नहीं जाना चाहते, IIIT में नहीं अप्लाई करना चाहते, तो हर कॉलेज में यार कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में, IT ब्रांच में कुछ कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं, कुछ MTech स्टूडेंट्स होते हैं, PhD स्टूडेंट्स होते हैं। आप अपने कॉलेज में जाकर उनको कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट करें कि आपको मशीन लर्निंग आती है, अपना रेज्यूमे उनको दिखाएं, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएं, अपनी कैगल के रैंक दिखाएं एंड उसके बेसिस पर उनको प्रूव करें कि आपको अच्छे से ML आती है, तो उनके साथ आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट कर सकते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को भी अपने रेज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं। तो यार ये हमने बहुत सारे रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, जरूरी टॉपिक्स की बात कर ली है जो आपको जरूरत है सीखने की ML को सीखने के लिए। इन सारे के सारे रिसोर्सेज के लिंक्स हमने नीचे दे दिए हैं, तो एक एक करके आप जाके रेफर कर सकते हैं, खुद से आप ML जो है वो सीख सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छा फोड़ सकते हैं ML की फील्ड में। आज के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।